हेलो 10th क्लास, हमने जो हमारा पिछला जो टॉपिक था वो रेवोल्यूशनरी के बारे में हमने पढ़ा था। अब आपका जो नया आता है वो आता है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से लेके 1848 तक के, जो कि मैंने इसके आपके नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या था, आइए हम इसको पढ़ते हैं। आप इसमें देखिए, जो आपका था इसमें लिबरलिज्म और नेशनलिज्म केम टू इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशंस। अब इसमें यह कहता है कि देखिए, जो नेशनलिज्म थे, मतलब जो राष्ट्रवाद थे, लोग जो अपने देश को आज़ादी दिलवाना चाहते थे जो वहाँ के राजा वगैरह से, तो वो कह रहे थे कि हम इस रेवोल्यूशन को लेके आएंगे, इस क्रांति को। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, क्रांति को हम लेकर आएंगे। और लिबरलिज्म जो थे, मैंने आपको बताया था पीछे टॉपिक में कि लिबरलिज्म कौन थे। लिबरलिज्म जो थे उसको मतलब होता है फ्रीडम, की आज़ादी होनी चाहिए। पॉलिटिकल दो तरह के थे, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। मैंने एक बच्चे ने पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बारे में पूछा था, तो मैं बता रही हूँ उसके बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसमें यह था पॉलिटिकल। देखो, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीति। तो मतलब जो राजनीति वगैरह होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो जो थी वो फ्रीडम होनी चाहिए उसमें। फ्रीडम इन द सेंस कि हम अपने राजा को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुन सके, जैसे हम लोग चुनते हैं, हम लोग वोट डालते हैं ना। अब डेमोक्रेसी है तो इसलिए हम खुद वोट डालते हैं और अपने राजा को चुनते हैं और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो वो होता है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, कि हमें आजादी होनी चाहिए अपने देश के, जो देश की गवर्नमेंट चुनने के लिए। तो इसका मतलब होता है पॉलिटिकल। और इकोनॉमिक तो पता ही आपको कि व्यापार करने में आसानी हो, इसीलिए इकोनॉमिक को लेकर आया था। और मैंने स्टेप भी आपको बताया था कि जोलवरिन को लेकर आए थे। तो ये तो था पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो मैंने बता दिया है पॉलिटिकल लिबरलिज्म के मतलब। उसके बाद अब इसके बाद आपका जो आता है ये वाला, ठीक है। अब देखिए, मैंने पहले आपसे कहा था, एक बात कही थी मैंने आपसे पहले कि जो फ्रांस अगर छींक मारता तो उसकी पूरी जो सर्दी होती है वो पूरे यूरोप में फैलती, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, एक ऑस्ट्रेलियन जो चांसलर थे उनके बारे में, ड्यूके मैट्रिक, उन्हीं ने ही ये बात बोली थी। मैंने कहा था ना आपको, ये बहुत बोलते हैं ये चांसलर जो ऑस्ट्रेलियन के हैं, ड्यूके मैटर्निक जो हैं, ये बहुत बोलते हैं। तो इन्होंने ही कहा था, अगर फ्रांस कोई छींक मारता है, फ्रांस में कोई छींक मारता है तो उसकी पूरी सर्दी जो है वो वहां पहुंच जाती है हमारे पूरे यूरोप में। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब ये पूरी रेवोल्यूशन होने लगा, क्रांति होने लगी, जब नेशनलिज्म और लिबरलिज्म दोनों ने मिलकर सोचा था कि हम इन राजाओं वगैरह को बाहर निकालेंगे अपने यहाँ से, तो उन्होंने इन फ्रांस में जुलाई में 1830 में क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो इस्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता कि संविधान, इन्होंने जो नेशनलिज्म थे उन्होंने कहा ठीक है राजा आप ही रहो, आप ही यहाँ पर राज करो, लेकिन आपका जो काम करने का तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। मतलब कि जो संविधान में हाँ, आप जो सबके लिए फ्रीडम हो तो वैसा काम आप करोगे, राजा आप बने रहो भले ही, लेकिन जो काम होगा आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मोनार्की अगर आप हो, मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि मोनार्की कौन होते हैं, जो राजा वगैरह होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की सिस्टम आ गया, इस्टेब्लिश हो गया था, तो वहीं साथ ही साथ क्या हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम जो थी वो देखिए, आप मान लो यहाँ पे अगर फ्रांस है तो फ्रांस के जस्ट ऊपर जो है वो बेल्जियम है, तो बेल्जियम जो थी उसको वो किसके अंडर थी, नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा था, तो इन्होंने सोचा कि हम जैसे फ्रांस ने अपने आप को आज़ाद करवाया, वैसे भी हम भी अपने आप को बेल्जियम जो है आज़ाद करवाएंगे, अपने देश को इंडिपेंडेंस दिलाएंगे। तो यहाँ भी इंडिपेंडेंस आ गई साथ ही साथ, ठीक है, नीदरलैंड से उन्होंने आज़ाद करवा लिया अपने आप को। अब आता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो था काफ़ी टाइम तक चली थी। हम ग्रीक वॉर को, जो ग्रीक है वो एक ग्रीस शहर, मतलब शहर कह रही हूँ, सिटी है, नेशन है एक तरफ का, तो उसे गार्डन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये वन मार्क्स में आता है कि ग्रीक को हम और क्या कहते हैं, कार्डल यूरोपियन और यूरोपियन सिविलाइजेशन, तो याद रखना इसलिए तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, इसे वन मार्क्स में पूछ लेते हैं आपसे। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ पे जैसे कि ग्रीक है, अब जी मैंने आपको कहा था जो पूरा आपका यूरोप है, यूरोप का जो डेवलपमेंट हुआ था तो ग्रीक से स्टार्ट हुआ था। तो ग्रीक से जब स्टार्ट हुआ तो जो यूरोपियन के जो लोग थे, यूरोपियन जो लोग थे वो ग्रीक के साथ काफ़ी सेंटिमेंट जुड़े थे, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई थी ग्रीक के साथ। तो क्या हुआ, जो ग्रीक था वो किसके अंडर था, वो जो ग्रीक था एक इस्लामी था, ऑप्टोनम, मैं आपकी बुक में दिखा दूँ आपको, ठीक है, आपको फिर और अच्छे समझ आएगा। ये देखिए, जो हमारा ग्रीक था वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था, ठीक है, तो वो एक इस्लामी एक
इस्लामी जो था रूलर था, ठीक है, वो सारे जिसने उस ग्रीक के ऊपर कब्जा कर रखा था, तो जितने भी यूरोपियन के जो थे उन्होंने ग्रीक का साथ दिया। और क्या करा, जब ग्रीक का वो साथ देने लगे तो जो थे इस्लामी जो रूलर था ऑप्टोनम जो था वो कमजोर होने लगा, और वो क्या हुआ, ग्रीक से बाहर निकल गया। ये नहीं कि ये थोड़े दिन में आजाद हो गया था ग्रीक, इसको काफी टाइम, काफी लड़ाइयां, काफी वॉर चली थी इसके साथ, तभी जाकर कहीं जाकर एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, जिसमें इस ग्रीक को आजाद हुआ था ये, और 1832 में आजाद हुआ था। अब आता है एक नाम यहाँ पे, लॉर्ड बायरन। जो लॉर्ड बायरन थे उन्होंने कहा था फंड्स इकट्ठा करते थे, ये ग्रीक के लिए लड़ने भी जाते थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब होने के कारण इनको बुखार आ गया था, तो इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये ग्रीक को आजादी 1832 में मिल गई थी। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका, मैंने समझा दिया आपको कि क्या क्या हुआ। मैंने कहा था ना यहाँ, ये नहीं कि ये जो था यहीं पे खत्म हो गई। अब और भी बहुत सारी जो यूरोप की सिटीज हैं, शहर हैं, नेशन है, जहाँ पे आजादी होना भी बाकी थी। अभी तो सिर्फ अपने फ्रांस एंड बेल्जियम एंड ग्रीक में देखी थी, आगे भी जो थी वो आजादी देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, अगला जो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक आता है बुक में से, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका, आता है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब देखिए ना यहाँ पर क्या था, ये सिर्फ इसलिए था, ये रोमांटिक इमेजिनेशन इसलिए लाया गया ताकि लोगों को बताया जा सके कि आपका देश जो है वो आजाद होना कितना जरूरी है, लोगों के अंदर ये भावना लाना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज लेकर आए थे। मैं अगर आपको मतलब जैसे कि विचार से लोगों के अंदर लाया गया कि नेशनल जो नेशनलिज्म की फीलिंग को थॉट मतलब विचारों आइडियाज के थ्रू लोगों के अंदर लाया गया था। ठीक है, बीच लाया गया, जो मतलब अगर अगर हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आपको आज़ादी कितनी ज़रूरी है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो वही चीज़ उसको बताने के लिए ये चीज़ें लेकर आए थे, रोल ऑफ कल्चर, कि अपने कल्चर, लोगों को अपने कल्चर के बारे में बताना। ऐसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, भारत है, भारत का अगर आप फ्लैग कहीं भी देखते हो लहराता हुआ, कि हमारा देश का झंडा लहराता, एक अलग सी भावना आती है ना आप सबके अंदर भी। तो वही चीज़, वही रोमांटिक इमेजिनेशन ये लेके आना चाहते ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ हम अपने देश को आज़ाद करने में बहुत सशक्त हैं और बहुत तैयार हैं। तो वही चीज लेकर आए थे, रोल ऑफ कल्चर, आर्ट एंड पोइट्री, अपनी पोइट्री बताई, आर्ट के बारे में बताया, अपने अपने देशों के बारे में कि हमारा देश ऐसा था ऐसा है, तो हम अपने देश को आजाद करवाना चाहते हैं ना कि तो किसी के अंडर रखना चाहते हैं अपने देश को। स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिज्म फीलिंग। तो ये सब चीजें फीलिंग लाने के लिए ये सब चीजें सोची गई थी, इन सब चीजों का सहारा लिया गया था। अब यहाँ पे जॉन गॉडफ्रिड आते हैं। गॉडफ्रिड जो थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि वो दास वॉल्क लेकर आए, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया कि हमारे देश की जो जैसे जर्मन लैंग्वेज होती है, जर्मन कल्चर जो होता है, उसकी भावना जगाने की कोशिश की लोगों के अंदर। ठीक है, पोलैंड जो थे वो किसके अंडर थे, रशिया के अंडर थे, तो वहां पर एक ओपेरा म्यूजिक बहुत फेमस था, तो उस चीज को लाया गया था कि ओपेरा म्यूजिक हम लोगों को बताएंगे कि तो इससे क्या हुआ, उसकी आजादी होगी। तो जो था पोलैंड था उसको आजाद करवाने के लिए, पोलैंड को आजाद करवाने के लिए, मतलब क्यों था, क्योंकि देखिए यूनाइटेड है अब जितनी भी जर्मन, पहले तो जो था जर्मन जो था, ये तो जो ये ऊपर वाले आपको बता रही हूँ जॉन गॉडफ्रिड, ये तो जर्मन था, तो जर्मन के एक फिलोसफर थे, उन्होंने दास वॉक को लेकर आए थे, क्योंकि जर्मन जो थी वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज लोगों को बताई गई थी। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर था वो एक ही था, तो लोगों की भावना जग गई अपने आप ही कि नहीं हम तो अपने देश को आज़ाद करवाएंगे ही करवाएंगे। पोलैंड जो था वो रशियन के अंदर आता था, रशिया जो देश था उसने उसके अंडर कर रखा था इसको, पोलैंड को, तो ओपेरा म्यूजिक वहाँ के लोगों को बताया गया कि नहीं वहाँ के क्रिश्चियन जो थे, मतलब एक क्रिश्चियन में इकट्ठा एक होता है ना, क्रिश्चियन में चर्च में इकट्ठा होते थे, और वहाँ लोगों को बोलते थे कि नहीं आपकी जो है रोल ऑफ लैंग्वेज इससे स्ट्रेथिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट इन पोलैंड। पोलैंड में क्या उनको बताया गया कि आपकी लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज़ उनकी देश भावना उनके अंदर लाने की बहुत कोशिश की, तब जाकर कहीं क्रांति आई इस चीज़ की कि हम अपने देश को आज़ाद करवाएंगे। तो यही सब जो था हमें से देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक बार से दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ जो मैंने अब तक आपको करवाया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखो फर्स्ट से मैं आप देखती हूँ, हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है, हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा, कैसे नेशनलिज्म आया गया, सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। पॉइंट्स पढ़ने के बाद नेपोलियन वहां पर आ गए थे, नेपोलियन ने 1804 में आए थे और उन्होंने देश को, फ्रांस को एक आजादी के बारे में बताया कि कैसी डेमोक्रेसी होती है, क्या होता है, तो वो सब चीजें हमें बताई थी। तो लोगों को वहां पर अच्छा लगा कि हाँ हमारे देश में आजादी है, हमें अच्छा लग रहा है फ्रीडम रहकर। फिर दोबारा से क्या होता है, ये
एस्टोक्रेसी आती है, न्यू मिडिल क्लास आती है, इन दोनों के बीच में आपस में मतलब झगड़े वगैरह शुरू होते हैं, तो उसी की जगह एक चीज़ बाहर निकल के आती है, लिबरल चीज़ निकल के आती है, तो वहाँ पॉलिटिकल दो चीज़ें, इकोनॉमिक की चीज़ें आती हैं, तो लोगों को लगा कि अब हमारी आज़ादी, तो दोबारा से क्या होता है फिर उसके बाद से ये कंजर्वेटिज्म आ जाते हैं दोबारा से, तो ये दोबारा से जो है नेपोलियन को हराते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 1815 में नेपोलियन को हरा दिया, दोबारा से राजा सिस्टम शुरू हो गया था, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वही चीज़ जो थी वो दोबारा, लेकिन उन्होंने दोबारा से क्या करा, नहीं हमें नेशनलिज्म को लेकर आए कि नहीं हमें तो आज़ाद होना ही होना है, तो ये सब चीज़ें थी। तो घुमा फिरा के एक ही स्टोरी पूरी चल रही थी, पहले तो नेपोलियन थे, नहीं पहले राजा थे, फिर नेपोलियन आए, नेपोलियन के फिर राजा आ गए, फिर हमारा देश जो था यूरोप आजाद हुआ था, तो ये सब जो थी वो सारी चीजें चल रही थी। आगे टॉपिक हम इतना ही करेंगे, अभी आगे मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि आपके यूटी आएंगे तो इतना ही आपको करवा रही हूँ, और इतना ही आपको यूटी में पूछा जाएगा, आधा चैप्टर आपको हो चुका है, और इतना ही एग्जाम में मैं आपको दूंगी। ओके।